नमस्कार। ध्यान साधना की आज के सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज की ध्यान साधना का मूल उद्देश्य है स्वयं की खोज और यात्रा। मित्रों, स्वयं की खोज से पहले हम ये समझें कि ध्यान क्या है। ध्यान है जागरूकता, ध्यान है जागरण या अवेयरनेस। ध्यान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यदि ध्यान नहीं है तो समय पर औषधि भी नहीं ली जा सकती। ध्यान नहीं है तो समय पर भोजन लेना भी संभव नहीं है। ध्यान नहीं है तो कर्म में कुशलता और परिणाम लाना भी संभव नहीं है। और ध्यान नहीं है धन संपत्ति मान सम्मान कुछ भी संभव नहीं है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि ध्यान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ध्यान कैसे घटे, यह एक महत्वपूर्ण चिंतन का विषय है। ध्यान घटने के लिए हमें सबसे पहले स्वयं से जुड़ना होगा, स्वयं की सेवा करनी होगी, स्वयं पर दया करना होगा, स्वयं पर कृपा करना होगा, अपने अंतर्मन से जुड़ना होगा, अपने चित्त की वृत्तियों को देखना होगा। ध्यान बाह्य नहीं है, ध्यान अंतर्मन की यात्रा है और अंतर्मन में चित्त की वृत्तियां मन के विचार चलते रहते हैं और इनको ही जानना है। लेकिन स्मरण रहे, जानते समय इनसे प्रभावित नहीं होना है। इन्हीं तथ्यों को लेकर आज हम यहां पर ध्यान की साधना प्रारंभ करेंगे। ध्यान कहीं भी कभी भी घटित हो सकता है, बस स्मरण रहे, स्मृति बनी रहे, चित्त जागरूक रहे और वर्तमान में जो कुछ घटित हो रहा है उसे हम जानते रहे, अनुभव करते रहे, यही ध्यान है। ध्यान के पूर्व कुछ सावधानियां, कुछ अभ्यास, कुछ मार्गदर्शन अनिवार्य है। आओ ध्यान करें। हरिओम।